सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स, तो अभी चलिए चलते हैं वर्कआउट फ्लोर पे, इसको अच्छे से ट्रेन करेंगे। उससे पहले हम लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं ताकि हमें अच्छी एनर्जी और अच्छा पम्प आए। और प्री वर्कआउट मील में ऑलरेडी मैंने बताया है, मैं 3-4 डेज से शेक पी रहा हूँ। मिल्क, ओट्स, बनाना, पीनट बटर, सम ड्राई फ्रूट, यही सब होते हैं। चलते हैं वर्कआउट फ्लोर पे, लेग को अच्छे से ट्रेन करते हैं। जो वर्कआउट करते हैं उन पे ही करेंगे, अच्छे से उनमें ही एक्सपर्टीज लाएंगे और उसमें ही परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। सो बस ट्रेन इट। सो कल के वीडियो में थोड़ा ग्लिच हो गई थी, बीच में ही हमारे मेरा माइक डिस्चार्ज होकर ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला था, जिसकी वजह से कल की वीडियोस में साउंड स्टार्टिंग में है, उसके बाद कोई साउंड नहीं है। कोई बात नहीं है, आज हम चार्ज कर लिया है। सो गाइस, अभी हम लोग काफ को ट्रेन कर रहे हैं। सो छोटी मसल से स्टार्ट कर रहा है हमने वर्कआउट, हमेशा क्या करते हैं, काफ को ट्रेन करने का टाइम आता है तब तक हम थक चुके रहते हैं, इस वजह से हम उसको उतना इंटेंसली ट्रेन नहीं कर पाते। इसलिए आज हम स्टार्टिंग से ही ट्रेन कर रहे हैं, इसको परफेक्टली करेंगे और अच्छे से पूरा लोड लेते हुए काफ पे। और पहले हम काफ को पूरा इंटेंसली ट्रेन कर लेते हैं, फिर दूसरे वर्कआउट्स पर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन मशीन, कोच की वर्कआउट है। सो विल डू 3 सेट्स, रैप्स 10 से 15 के बीच में रखेंगे और कंट्रोल में करना है। सो गाइस, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं हिप एडक्शन, सो लेट्स डू इट। सो गाइस, अब हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग के वर्कआउट, सो सीटेड कर्ल्स।
सो गाइस जब हम कर रहे हैं रोमेनियन डंबल डेड लिफ्ट हैमस्ट्रिंग के वर्कआउट है गाइज़। मैंने जो अभी वर्कआउट लगाया है वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले हमने काफ की वर्कआउट लगा ली थी जिसके लिए हमने सीटेड काफ रेजिस्ट करे थे। पहले हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि बाकी वर्कआउट करने के बाद जब हम काफ को ट्रेन करते हैं तो उतनी एनर्जी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ट्रेन नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही ट्रेन कर लेता हूँ। तो पहले हमने काफ को हिट करा, उसके बाद हमने करा लेग एक्सटेंशन मशीन जिसमें हमने कोर्स को टारगेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने करा हिप एडक्शन जो इनर थाइस की वर्कआउट है। उसके बाद हमने करा फिर सीटेड कर्ल्स जो हैमस्ट्रिंग के वर्कआउट है। उसके बाद स्टिफ लेग डंबल रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लिया हमने जो अगेन हमारी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है, तो उसको कंप्लीट कर लिया हमने। साथ हमारा लेग का वर्कआउट आज का खत्म होता है। थोड़ा कार्डियो करते हैं फिर मिलते हैं आपसे चेंजिंग रूम में। आज एनर्जी उतनी हाई नहीं थी और मैंने जब फ्री वर्कआउट मिल लिया था तो वर्कआउट से 30 मिनट बिफोर ही ले लिया था, इस वजह से ऐसा हो गया सीन। फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो इसलिए मेरे को हैवी हैवी सा लग रहा है। तो हमारे जिम के प्रो ट्रेनर है सुरेश डॉन, हमारे जिम के प्रो ट्रेनर है सुरेश डॉन। प्रमोशन होने वाला है बहुत जल्दी इनका, सुनने में आया है इस महीना के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा बहुत जल्द। अभी तक गोल्ड जिम से डायरेक्ट डायमंड जिम में जाने वाले हैं। अभी तक 50,000 का पैकेज था, अब 1.5 लाख का पैकेज लगने वाला है, वो भी मंथली ईयरली नहीं। ना ना वीकली होता है मेरा, वीकली मंथली तो हम छोड़ दें सब काम करना। और उसके बाद गोल्ड सबसे डायमंड में शिफ्ट होने वाले हैं। डायमंड जिम कहाँ पे? अपना खोलेंगे डायमंड जिम। डायमंड जिम खोलने वाले हैं, तरक्की इसको बोलते हैं। और पहले सिल्वर में थे उसके बाद गोल्ड में, अब डायमंड में जाएंगे। और इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा, ये दोनों के बारे में देखिए कोई विचार आपके प्रकट हो रहा है आपके मन में? तो ये दोनों टॉम एंड जेरी है। टॉम एंड जेरी दोनों मिलके आधा आधा पूरा हो जाएंगे। आधा उनका बनेगा आधा इनका बनेगा। मोटू पतलू की जोड़ी, एक अपर बॉडी बनाएगा एक लोअर बॉडी बनाएगा। मोटू पतलू की जोड़ी है क्या? मोटू पतलू की जोड़ी है, नया जोड़ी बनाएगा इस बॉडी बनाने के लिए। यही आदमी है, गंदा गंदा गाना बजाने वाला आदमी यही है जिम में, सारा गाना इसी के डाउनलोड किया हुआ है भाई। हमको तो भाई भोजपुरी से फीलिंग आता है लेकिन चला जिम में सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड बजाता रहता है। क्लास खराब हो जाएगा सुरेश जो है जिम का, क्लास खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो क्या क्लास लेकर हमको क्या होने वाला है? क्लास ले क्या सोसाइटी में कैसे रहिएगा? हमको मोटिवेशन चाहिए, गाना कुछ भी रहा है। तो भोजपुरी गाना से आपको मोटिवेशन आता है? देख लीजिए भाई बिहार का भविष्य है, इंजीनियर है, ऑलराउंडर आदमी है। यहाँ से जाने के बाद कोई भी काम खराब होता है कहीं पे भी वहाँ पहुँच जाता है ठीक करने के लिए। क्या पूरा और जिम में महिला लोग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, प्रेम भाव रहता है, इसीलिए उनको ज़्यादातर वर्कआउट महिला लोग के साथ इनका टाइम स्पेंड होता है। बात सही है क्योंकि उन लोगों से मेरा लगाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी था आपका, काफ़ी है। बाकी आपको लोग देख लेंगे, बाकी आप अपने बारे में बता दीजिए। इनका नाम सूरज जोन है और ये पता ही हवाई अड्डा जहाँ से प्लेन नहीं उड़ पाता उसी जगह से बिलोंग करते हैं। देखिए इस बार 400 पार जाता था हवाई अड्डा एकदम चालू हो जाए। मोदी जी आए थे आपके यहाँ पे, क्या बोल के गए हैं? कुछ नहीं बोले, जैसे हवाई अड्डा के बारे में कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं, सीधे कहते इस बार 400 पार, जल्दी प्रस्थान कर गए। इसके बाद प्रस्थान कर गए,
सब ठीक नहीं हो रहा है, इन लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इनका हवाई अड्डा के जस्ट बाहर जमीन है, उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, लेकिन बेचारा आदमी क्या करे, कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग हवाई अड्डा बने उससे आदमी उड़े उससे मतलब नहीं है, जमीन का वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। इंजीनियर आदमी है। सो गाइस, जिम में मजाक मस्ती चलता रहता है सूरज भाई के साथ, लेकिन जिम में कोई अगर मेरा वीडियो बनाता है तो वो सूरज भाई है, बाकी लोग भाई खाली बनता है। वीडियो वीडियो बनाने टाइम कोई भाई नहीं होता, चाहे वो मेरा दोस्त बाबा ही क्यों ना हो। सो थैंक यू सूरज जॉन फॉर कॉपरेशन, इनके सपोर्ट से हमारी वीडियोज कम्प्लीट हो पाती है डेली। ये खाली होते हैं तो मेरी वीडियो बनाने में सहयोग करते हैं। सो गाइज, वी हैव फिनिश्ड द वर्कआउट, अभी हम चेंजिंग रूम में आके स्टीम बाथ भी ले चुके हैं। स्टीम बाथ लेने के बाद अब हम चेंज कर रहे हैं, चलते हैं घर। आज भी हम प्रोटीन लाना भूल गए थे, तो इस वजह से घर जाके पियेंगे प्रोटीन। तो चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।